Welcome back to the channel, guys. So finally, एक mobile holder कम mobile charger for the bike मैंने मंगवाई है. So इसको बस फटाफट से guys open करते हैं and देखते हैं इसके अंदर के contents क्या हैं. And अगर contents ज़्यादा complicated नहीं होंगे, तो मैं इसी particular video के अंदर इसको install भी कर दूँगा पाचे के अंदर. But अगर थोड़े से ज़्यादा complicated हुए, तो इस वीडियो को एंड करेंगे एंड एक नया वीडियो स्टार्ट करेंगे. उसके अंदर मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है अपनी बाइक के ऊपर एंड इसकी क्वालिटी क्या है वो मैं आपको भी बता देता हूँ. सो चलो फिर अनबॉक्सिंग बेंच या अनबॉक्सिंग थाई या अनबॉक्सिंग फ्लोर पे चलते हैं एंड इसको खोल के देखते हैं. एंड अपना कटर तो शायद आपको याद ही होगा, मरा हुआ कटर है, बट इट डज द जॉब राइट, इट डज रियली गुड जॉब. सो लेट्स गो. Alrighty guys, so इसके अंदर आवाज तो अच्छी अच्छी मेटल की चीजों की आ रही है राइट. सो आई होप कि स्ट्रॉन्ग स्टडी चीजें ही अंदर हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार मैं इतना एक्सपेंसिव फोन जो मेरा Asus XZ है वो किसी हल्की चीज पे लगाऊं. इसकी कॉस्ट का यहाँ पे लिखी आ जाएगी, इससे ज्यादा महंगा नहीं, आई थिंक 360 रुपए का शायद से मैंने इसको लिया है. एंड एक फॉर मोबाइल होल्डर एंड अ चार्जर इट्स एक्चुअली रीजनेबल. सो लेट्स सी कि क्या होता है आज. एक्साइटमेंट होती है मुझे इस टाइप की चीजें यू नो अनबॉक्स करने में. And there we go, halfway through, section complete. दूसरा section भी guys हो गया यहाँ पे complete. And let's see अंदर क्या है. एक और box यहाँ पे मिलता है हमें. So इस तरह box को बाहर निकालते हैं. Okay, ये Flipkart का packaging है, ये दूसरा brand का packaging है, which is nice. So यहाँ पे हमें कुछ band switch mirror kit. मल्टी फंक्शन मोबाइल फोन चार्जिंग ब्रैकेट, दैट्स नाइस. बट क्या कह रहे हैं यार, इंडिया में कुछ बनता ही नहीं है. नॉट गुड, इंडियन कंपनीज कुछ तो करो यार. सो चलो इन एनी केस 3, 2, 1 ओके. सो इसमें तो गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करके सारी दिखाता हूँ. सबसे पहली आइटम ये रबर की है जिसमें आपका फ़ोन होल्ड होगा. दूसरा है सम सॉर्ट ऑफ माउंटिंग ब्रैकेट राइट हियर. एक और आइटम है एक बॉल पिवट समथिंग होगा, देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है इसमें, मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे ये. सो यहाँ पे हमें चार्जर को भी मैंने होल्डर को अलग रखा है जस्ट फॉर दिस. इसके अंदर देखते हैं पहले क्या है. आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ एडहेसिव स्टिकर पैड, इसको रखते हैं यहाँ पे. एंड यहाँ पे हमें मिलते हैं, अरे वाह दैट्स एक्चुअली प्रिटी नाइस. ये गाइस आपके भी मैं बताता हूँ क्या है, ये दो एक्स्ट्रा हैं बेसिकली चार्जर, ये जो यहाँ लगे हुए हैं फ़ोन इसी के अंदर होल्ड होना, तो ये दो एक्स्ट्रा दिए हैं विच इज़ सुपर्ब. ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये खो जाते हैं वाइब्रेशंस की वजह से, ज़्यादा वाइब्रेशंस होती हैं तो ये निकल जाता है या टूट जाता है, ऐसा कुछ कुछ भी हो जाता है. सो अब ये भी अभी रख देते हैं, आ रहा कि ये कहाँ कहाँ लगनी है चीज़ें. सो इन एनी केस सबसे पहले चार्जर देखें. ओके Alrighty, so इसमें इस तरह से यहाँ पे फ़ोन फिटाना है हमें, तो ये ऐसे लॉक हो जाएगा. स्प्रिंग इज़ रियली टाइट, तो ये मुझे नहीं लगता कि फ़ोन को तो कहीं जाने देगा. ये है इसका बॉल पिवट काइंड ऑफ मैकेनिज्म, निकलेगा भी यहाँ पे आई थिंक सो. बना तो कुछ ऐसे ही हुआ है, बाकी आई डोंट नो कि निकलता है नहीं निकलता. सो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे फिट होगा, एक इस पे लगेगा ये ऐसे एंड एक नीचे लगेगा. अच्छा सो ये मिरर जहाँ पे लगा हुआ है ना गाइस हमारी बाइक के अंदर मिरर, ये उसके अंदर ये वाली आइटम फिट होगी, देन उसके ऊपर ये फिट होगा, देन उसके ऊपर ये फिट होगा. एंड मज़े की बात, ये ऑल मेटल कंस्ट्रक्शन है, स्क्रू सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ, इट्स ऑल मेटल कंस्ट्रक्शन विच इज़ ग्रेट. एंड यहाँ पे ये अंदर की तरफ बैठेगा ऐसे आई थिंक सो, या बैठना तो कुछ ऐसे ही चाहिए. लेट्स सी एक बारी अंदर डाल के, एंड फ़ोन फिर इसके ऊपर से आना है. आइटम तो बढ़िया है बट मुझे लगा था ये क्लैंप वाला सिस्टम होगा. अब इसके ऊपर से फ़ोन कैसे आएगा, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा मुझे इसका सिस्टम क्या है. ये एक्चुअली डबल मैकेनिज्म काइंड ऑफ है यू नो, पकड़ लेगा यार फ़ोन को, मेन फ़ोन बचाना बहुत ज़रूरी है हमें. एंड ये आएगा कैसे, आई डोंट नो. सो फ़ोन तो इस पर कुछ ऐसे करके ऐसे लग गया, ये कैसे आएगा आई डोंट नो. एंड गाइस इसके अंदर हमें सिर्फ दो नेगेटिव एंड पॉजिटिव वायर मिलती है. वायर का साइज़ ज़रा देखें, बैटरी तक ये पहुँचेगी भी कि नहीं है, पर चलो और वायर एडिशनली ऐड करनी पड़ी इसके अंदर. रूटिंग के साथ तो थोड़ी दिक्कत लगेगी मुझे. एंड वायर की क्वालिटी क्या है वो भी देख लेते हैं. ऑलराइटी पहुँच भी सकती है और पहुँच नहीं भी सकती है, डालने के बाद ही पता चलेगा. एंड ये है इसका चार्जर, यहाँ पे छोटा सा 12 इस पर लिखा है 5 वोल्ट 2 एम्प्स, यहाँ पे आप देखना चाहो तो देख सकते हो. तो इसको बस यूँ पकड़ेंगे, यूँ खोल देंगे तो ये खुल जाएगा. इधर USB पोर्ट राइट देयर,
सो इसका ध्यान रखना है कि ये टूट गया ना तो दिक्कत हो जाती है, फिर ये वाटर प्रूफ नहीं रहता। अभी वाटर प्रूफ खाली इस रबर की वजह से है, ये इस रबर की वजह से। सो इसको ज़रा बंद कर देते हैं, बंद हो जा भाई। इन एनी केस यहाँ रखा। अब ये आइटम कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगेगी एंड फिर ये पॉल पिवट इसके अंदर जाएगा। ये आई थिंक प्लास्टिक है दोनों का, बाकी सारा एरिया मेटल है विच इज काइंड ऑफ वियर्ड। ये ऐसे आया पुछता क्यों नहीं यार, पूरा लूज है, फिर भी जाने का मूड में नहीं है वो। चलो इन्हीं नहीं किया, इसको मैं बाइक के ऊपर ले जाके देखता हूँ एंड इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पे रोकते हैं गाइस, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये आइटम। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला पिवट्स यूज करूँ या नहीं करूँ, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया एंड ये कैसे लगेगा, सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। अब देखा जाए तो गाइस ये चीज़ें मेरे जैसे बंदे के लिए सिंपल है, बट अगर वीडियो फॉर्मेट के हिसाब से मैं देखाऊँ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेटली है एंड काफी सारे पार्ट्स हैं इसके अंदर। सो इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा। अभी मैंने आपको पार्ट्स दिखा दिए हैं एंड ये मैकेनिज्म कैसे चलता है, इसको बस ऐसे दबाना है, फोन बीच में फिट करना है एंड छोड़ देना है। एंड स्प्रिंग रियली हार्ड है तो वो कहीं नहीं जाने देता है, ये सारा रबर है तो फोन को भी कुछ नहीं होने वाला, विच इज ग्रेट। एंड माउंटिंग ब्रैकेट इज मेड अप ऑफ मेटल विच इज अ ग्रेट थिंग, बट जो पिविट्स हैं यहाँ पे जो गोले दे रखे हैं ये प्लास्टिक है, आई डोंट नो व्हाई। एंड यहाँ पे इसका मैकेनिज्म मुझे ऐसा लगता है कि ये निकल जाएगा, मुझे इसी का डाउट है बस। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा राइट, दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, वो मुझे इसी का डाउट है कि ये निकल गया एंड इट इज मूविंग। ये देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, देख रहे हो इट इज मूविंग। तो मुझे नहीं पता कि हाउ ग्रेट और हाउ गुड इट दिस थिंग इज, सो ये तो यूज करने के बाद ही पता चलेगा। सो बांध भी दूंगा मैं। क्या करें यार, रिस्की मामला हो जाता है। सो इन एनी केस ऑन दिस पर्टिकुलर बॉम्बशेल लेट्स एंड दिस वीडियो। ये भी देखना है कि यार ये कैसे लगता है, ये बेसिकली फोन पे चढ़ता है लेकिन ये लगता कैसे है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, नो क्लू। मेरे ख्याल से एक और वे भी है यहाँ पे, ये गोले के साथ अगर मैं इसको ऐसे लगाऊं एंड उसके बाद यहाँ पे फोन, ये फोन तक पहुंचेगा ही नहीं पहली बात, अगर खींच दूंगा तो ये टूट जाएगा यार, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। सो चलो इसको मैं देखता हूँ एंड आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट इसी के इंस्टॉलेशन वीडियो में। सो अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी बाइकिंग गाइस। एंड गाइस अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो बाइक रिलेटेड वीडियोस काफी सारे हैं, कार रिलेटेड वीडियो भी काफी सारे हैं एंड कार एंड ऑडियो रिलेटेड वीडियोस भी हैं, बेल्ट्स भी हैं, ट्रैवल भी है। सो आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो चलो गाइस मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, सी या।